ओके, हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 2.2। इसका पहला सवाल है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, सबके बीच में प्लस का चिन्ह है। बोल रहा है सवाल यह है कि योग किए बिना, यानी कि इन संख्याओं को जोड़िए मत, बिना जोड़े बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जोड़ना नहीं है, बिना जोड़ के ही बताना है कि योगफल क्या होगा। तो यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी संख्या चल रही है ये विषम संख्या चल रही है, और वो भी लगातार। देखिए, एक, फिर तीन, फिर पांच, फिर सात, फिर नौ, फिर ग्यारह, फिर तेरह, ये विषम संख्या है, और वो भी क्या है, लगातार। तो इसका एक फॉर्मूला है कि विषम संख्याओं का योग, वो भी लगातार लगातार आ रही है, लगातार विषम संख्या का योग, ये फॉर्मूला है एन स्क्वायर, फॉर्मूला है एन स्क्वायर। अब एन क्या है, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ संख्या, कितना है संख्या वो एन है, और उसका स्क्वायर कर देना है, बस। क्लियर है, ये फॉर्मूला है। लगातार विषम संख्याओं का योग अगर याद करना है तो आपको एन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना होगा। एन स्क्वायर, एन का यहां मतलब क्या है कि इस सवाल में कितनी संख्या है, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो यहां एन की वैल्यू क्या हो गई, पांच। तो इसको हम लोग करते हैं, एक नंबर का ये सवाल है, एन की वैल्यू हो गई पांच, तो पांच का स्क्वायर आंसर क्या हो जाएगा, पच्चीस। तो इसका आंसर हो जाएगा 25। हम लोगों ने क्या इसको जोड़ा, नहीं हम लोगों ने इसको जोड़ा नहीं, सीधा हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आंसर लिख दिया है। एक और सवाल देख लेते हैं, दो नंबर। अब इसमें एन ज्ञात करना, एन क्या है कि आप संख्या गिनिए कितनी बार है वो, नंबर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, तो एन क्या हो गया, सात। तो सात का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। तो इसका भी हम लोगों ने योग किए बिना ही योगफल ज्ञात कर लिया कि योगफल कितना होगा, 49। ऐसे ही तीन नंबर है, हम लोगों को पर कितना डिजिट देखना है तो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, तो लिखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर है हम लोग का 121, तो ये हम लोग आंसर है। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बैठ जाइए। अगर बढ़ते हैं सवाल नंबर दो की तरफ, लिखता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी संख्या है। सवाल है कि ये जो संख्या है 43 और 44, इसका वर्ग ज्ञात कीजिए, 43 और 44 का वर्ग, यानी कि 44 को 44 से गुना कीजिए, 43 को 43 से गुना कीजिए, जो आएगा वहां लिखिए। अब इन दोनों के बीच कितनी संख्या, इन दोनों को घटाइए, घटा के जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर है, कह रहा है कि इन दोनों का वर्ग ज्ञात कीजिए, वर्ग ज्ञात करने के बाद इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, वो आपको यहां लिखना है। लेकिन ये जो प्रोसेस है इससे थोड़ा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे किसका, फॉर्मूला का। तो वर्गों के बीच, अब इसमें खासियत क्या है, ध्यान से देखना है कि इसमें जो पूछा गया ये सीरियल नंबर है, 43 के बाद 44, 14 के बाद 15, 34 के बाद 35। चूंकि ये सीरियल में है इसलिए यहाँ एक और फॉर्मूला काम करता है बीजगणित का, कि अगर हम लोग को वर्ग के बीच संख्या ज्ञात करना है तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला बैठाते हैं 2n का। इसके पहले हम लोगों ने बैठाया n स्क्वायर का, यहाँ फॉर्मूला बैठता है 2n का। अब यहाँ n किसको मानेंगे, यहाँ n मानेंगे जो लोअर नंबर है, जो कम संख्या है, संख्या में जो कम है, 14 15 में कम कौन है, 34 और 35 में कम कौन है, 34। तो वहां n की वैल्यू वो होगी। क्लियर है, तो बस जस्ट हम लोग को उसको 2 से गुणा कर देना है, इन दोनों के बीच कितनी संख्या है वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही आसान है। तो हम लोग करते हैं, एक नंबर में 43 है और 44, तो हम लोग फॉर्मूला बैठाते 2n का, चलिए 2 × 43, 3 × 6 4 × 8, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 86। बहुत ही इजी है। एक और हम लोग देख लेते हैं, तीन नंबर, 34 और 35 के बीच करना था, फॉर्मूला हम लोग का 2n, यानी 2 × n के वैल्यू कितना है यहां, तो 4 × 8, 3 × 2, आंसर कितना हो गया, 68। यानी इन दोनों के वर्गों के बीच कितनी संख्या होगी, 68। क्लियर है, कोई दिक्कत है आप लोगों को।
इसी तरीके से दो नंबर आपको खुद से बना लेना है, ठीक है। ओके, हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर तीन की तरफ। के निम्नलिखित संख्याओं के दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है, यानी कि सवाल है कि निम्नलिखित जो भी संख्या है इसका आप वर्ग को यानी स्क्वायर को ऐसा लिखिए दो संख्या में, और दोनों सीरियल वाइज होना चाहिए, यानी अगर एक दो है तो फिर तीन होगा, यानी क्रम के साथ होगा, अगर एक चार है तो फिर पांच होगा, अगर आठ है तो नौ होगा, ऐसे करके करना है कि उनका योग करेंगे तो ये आ जाएगा, उन दोनों संख्या को योग करेंगे तो इसका वर्ग आ जाएगा। तो हम लोग करते हैं, सबसे पहले तो 23 का स्क्वायर करते हैं, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, दो से भाग दे देंगे, इस संख्या को हम लोग दो से भाग दे देंगे। मैं एक आपको भाग दिखा रहा हूं, देख लीजिएगा कि 26 दुनी क्या हो जाता है 52, 9 4 दुनी 8, एक बच गया। तो आपको शेषफल पे नहीं जाना है, खाली ये देख रहे हैं कि कितना है 264, यानी इसको अगर हम लोग दो से भाग देते हैं तो हम लोग कितना मिलेगा 264। तो उसका उसको लिख लिए 264। अब इसी में प्लस वन कर देना है, यानी 264 और प्लस 265, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का ये और फिर ये आ जाएगा। चलिए जोड़ के देखते हैं, 5 और 4 9, 6 और 6 12 का 2, हासिल लगा 1 2 2 4 और 1 5। तो सवाल क्या पूछा आपका, यहाँ ये देखिएगा, सवाल पूछा कि इस संख्या का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कौन सी दो संख्या है, कौन सा वो दो संख्या है जो सीरियल वाइज हो। देखिए 64 65, जिसको जोड़ने से ये आ जाना चाहिए, क्लियर है। तो ऐसे करके हम लोग और देख लेते हैं सवाल नंबर दो, ये है 15 का स्क्वायर, तो 15 का कितना होता है 225, तो इसको हम किससे भाग देंगे 2 से, तो 2 को 2 से भाग दिए तो 1, फिर 1 और 5, इसमें 1 कम कर दीजिए, अगर संख्या विषम है तो 1 कम कर दीजिए, तो 5 का 1 कम करेंगे कितना होगा 4, तो 4 को भाग देंगे 2 से तो कितना आएगा 2। अब आपका आगे 112, इसे में 1 प्लस कर दीजिएगा तो 113, यानी इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो हम लोग कितना मिल जाएगा। एक और सवाल है, देख लेते हैं, 3 नंबर, 19 का स्क्वायर होता है 361, दो से भाग देना आपको, बहुत ही सिंपल है, तो 36, 36 का आधा कितना होगा 18, और 1 है इसको 0 मानिए, 0 का 0, फिर 180 है, 180 से 1 आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 181, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आंसर होगा, यानी ये हम लोग का आंसर है। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दे रहा हूं, सवाल क्या कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांक यानी कि दो ऐसी संख्या जो क्रम से हो उसका योग के रूप में लिखे, योग का रूप में लिखना है इन चीजों को। तो 23 का स्क्वायर क्या करेंगे 529 आएगा, इसमें से एक कम कर दीजिए, मान लीजिए 28 है ये, तो 52 का आधा हो गया 26 और 8 का आधा हो गया 4। अब जो आपने आधा किया उसमें एक बढ़ा देना है, 264 है तो 265, ऐसे करके आंसर लिख दीजिएगा, बहुत इजी है। उम्मीद आप लोगों को सारा सवाल समझ में आ गया होगा।